हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं और अभी ना दिन का खाना वाना खा के अब चल रहे हैं ऊपर गांव में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में शादी है। तो आज से क्या है, उनके घर में ना फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज बनेगा कलियो। तो बाकी जो है कलियो तो सुबह से बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम ना आजकल खेतों में भी काम शुरू हो गए, तो खेतों के काम में बिजी थे। मम्मी जी के साथ में मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पर, और जो लेडीज़ का जो काम होता है ना वो अब शाम से होता है। तो बाकी जो है कलियों की वीडियो जो है वो मेरे हस्बैंड के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी सारी जो है गांव की और लेडीज़ हैं वो सब जाएंगी, और वहाँ पे जो है ना उड़द की दाल होती है उसको पीसा जाता है, फिर उसकी पकौड़ियाँ बनती हैं। और तो इसलिए सबको इन्वाइट किया हुआ है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। अभी हम तैयार हो गए, मैं और अक्कू, अक्कू भी रेडी हो गई है, और बाकी सब घर में सारी लेडीज़ बच्चे सब होंगे। तो शाम का खाना भी होगा उनके यहाँ पर, लेकिन अभी जो है वहाँ पर पकौड़ियाँ बनेगी, दाल पीसेंगे। तो कैसे दाल पीसी जाती है कैसे, तो वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलते हैं उनके घर पे। दाल पीसने की तैयारी, ये जेठानी जी आज देखा जाएगा कितना जोर है इन पे, है ना? हाँ, एकदम बारीक होनी चाहिए दाल। ये है उड़द की दाल और इसकी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो इसको रात को भिगा दिया था, अब धुल दिया है चाची जी ने, बहुत अच्छे से हैं चाची। ये हो रहा है इसके छिलके अलग यहाँ पे, तो शादी में सबसे पहले, हाँ शादी में सबसे पहले यही बनते हैं, तो उड़द दाल के पकोड़े। और ये जेठानी, दोनों जेठानी जी का आज कॉम्पिटिशन है। अरे चाची यहाँ इंतजार में है, लेकिन इनको ना पीसने के लिए अभी बट्टा नहीं मिला है ना, फिर बट्टा तो है लेकिन बट्टा नहीं है, फिर इनका भी जोर देखा जाएगा। और नीचे बन रहे हैं लड्डू, लड्डू बन चुके हैं यहाँ पे, तो जेंट्स लोगों ने जो है ना लड्डू बनाए यहाँ पे, और बाकी अब लेडीज का काम है यहाँ पे दाल पीसना और फिर पकौड़ियाँ बनेंगी। चाची चाची तू भी वन में बैठ यार, ए चाची तू भी वन में बैठ, हाँ तब दिखेंगे दिन बढ़िया से। कोमल भी तैयारी पे है कि दाल किसे। ये है हमारी सासू जी, ये बुआ भी आगे दाल पीसने के लिए, पड़ा पीसो। मुंगेर बेलें तीन अभी नहीं बेलेंगे, चल के बाद पहले दाल पीस दे, तब फिर मुंगेर। अक्कू भी आ रहा था यहाँ पे, अक्कू लड्डू खाने आया ना अक्कू तो। तो कोमल का भी कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे जेठानियों के साथ में। तो कोमल कह रही मैं हार नहीं मानूंगी, है ना? तुझे भी दिखाना चाहिए ऐसे बोल के, अब देखो ना कोमल अब बाद में क्या नंबर है। मैं वो ध्यान में जाए ना, वो ध्यान में
फिर पता नहीं चल ये कर ली थी ये कब मैं भोजन पता नहीं तुम ये सिलोटा मत तोड़ देना भैया, वेट वेट के हिसाब से तो अभी मैंने और कोमल ने हम दोनों ने दाल पीस ली है अपने अपने हिस्से की। और चाची हमें ठंडा पानी दे दिए फ्रिज का, ये दूल्हे राजा की मम्मी जी है कह रही ठंडा पानी पियो। तो अभी हम लोगों ने पीस ली है, बाकी और लोग पीस रहे थे दाल। ये मेरी बहन भी यहाँ पे पूरा पूरी ताकत लगा रही है दाल पीसने में। अकू को बहुत सारे दोस्त मिल गए यहाँ, गुन्नू है वहाँ पे, रिशु है, ये पीरू भी है, पीरू यहाँ बैठ रहा था। पीरू पकौड़ी जेठानी जी भी पीस के बैठ गई है दाल पीस के, है ना। आप कह रही पकौड़ी का इंतजार कर रही हूँ, पकौड़ी बनाइए। हाँ पकौड़ी खाएंगे, तब कहाँ जाएंगे, बाकी अभी ये लोग दाल पीस रहे हैं और दाल पीसने के बाद ना फिर बनेगी पकौड़ियाँ, फिर हम खाएंगे गरम गरम पकौड़ियाँ, सभी जगह फिर पकौड़ी खाने को मिलेगी, चाय पीएंगे। अरे बच्चे रो गए हैं दीदी, वो रो रहा है, उसको देख के हंस रही है। आपको कैसे रो रहा है, वो कैसे रो रहा है? शादी में आके मुंह धो गया तो आना चाहिए कम से कम। नहा दोगे तो आना चाहिए लक्स लक्स साबुन। इधर यूं कितना क्रीम पाउडर लगाओ देख सबो, वो तो यूरानी हम पहले जमाना बुड्ढा। तू क्या नचनिया, इनका तो ब्याह ही नोनी, और हम तो ना तो जमा चल कुत्ते की लड़के लोग बैठ ना दे क्या। वो तो सब्जी भी गिनो हमको, तुम एक ही जगह ना डालने। ये है भुरड़ी, ये जब बरात आती ना सबके लिए थोड़ा थोड़ा पकौड़ी देनी पड़ती ना। तो यहाँ पे पूरी बन रही है, लगभग लास्ट है ये वाला, अभी इसके साथ पकौड़ी बनेगी। और इनको चार चाय मिल रही है और एक पकौड़ी। तो अभी हम लोगों ने ना वहाँ पे चाय पकौड़ी खा ली है और अब हम जा रहे हैं घर। तो फिर शाम का खाना भी वहीं पे है आज, तो क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन मतलब वहाँ पे कलयू बनता है, मतलब लड्डू बनते हैं पकौड़ी वगैरह, तो उस दिन का जो है ना पूरे गांव वालों का खाना होता है वहाँ पे। तो शाम को खाना है अभी, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो शाम को जाएंगे खाना खाने के लिए। बाकी ये जो है पकौड़ी वगैरह घर के लिए भी दिए है, गुड्डी के लिए, मम्मी के लिए। तो अभी हो गया दोस्तों शाम का टाइम, लगभग ना 8:30 हो गए हैं और बाहर ना बिल्कुल अंधेरा हो गया इधर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज ऊपर गांव में जहाँ शादी है तो उनके घर में ना आज गांव में सबका खाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ ऊपर गांव में शादी है तो आज उनके यहाँ ना पूरे गांव का सबका खाना है, क्योंकि आज उनके यहाँ लड्डू बने हैं और क्या कहते हैं पूरी पकौड़ी वगैरह बनी है।
तो उनके यहाँ जैसे कि लड्डू बने हैं, तो जिसे हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में कलियो बोलते हैं, तो कलियो बन गया है। और उसके बाद जो है ना, हमने वहाँ गए थे, दाल पीसी थी, पकौड़ियाँ वगैरह खाई थी। तो अब रात का टाइम हो गया, अब क्या है ना, पूरे गांव का वहाँ पे खाना होगा। तो मैं अक्कू हम जा रहे हैं, और अक्कू के पापा तो सुबह से वहीं हैं, क्योंकि वहीं हेल्प करानी पड़ती है, गाँव में शादी है तो इसलिए। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, और वाला सूट मैंने चेंज कर दिया। हाँ बिना मतलब जो है ना बारिश हुई उससे ना बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया अंदर। तो अभी चलते हैं। अभी इसने कह रही है उसके ना चप्पल में कीड़ा आ गया। तो चलते हैं गांव में और खाना खाते हैं, फिर गुटी के लिए तो हम ले आएंगे। तो चल रहे हैं, चलो। अभी ना कोमल भी आ गई तो कोमल का इंतजार कर रहे थे, तो कोमल आ गई, चलते हैं। अब चलो फोन में लाइट जला देते हैं ना। आपको तो चाची का हाथ पकड़, मेरे हाथ में फोन है, चाची का हाथ पकड़। चलो नहीं तो वक्खी नहीं यार, ए भी नहीं। ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है नहीं। अच्छा तो यहाँ पे उजाला है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइट है ना, तो यहाँ उजाला है, बाकी भयंकर अंधेरा हो रखा है। तुमने फोन का लाइट भी जला रखी है। हाँ यूँ मुझे बोल हूँ तो बोल तुम। वो देखो ये हमारे जेठ जी, अंधेरा हो रखा ना, ये हमारी बुआरी। हाँ तुम्हारी जेठ जी। हाँ बोलो क्या क्या हो रहा काम धाम कारोबार। ये जेठ जी ना घूम के आ रहे हैं और अब चल रहे खाना खाने के लिए। अब भोजन आज जेठानी जो वहाँ बैठ के भी फोन में बात कर रही है, है ना जेठानी बात करे। जेठा जो बोले लगन से खड़ा है। हाँ चलो था खाना खाने थे। ये देखो ताऊ जी भी आ गए। हाँ तो जैसे मैंने बताया ना पूरे गांव वालों का खाना है। ये तो है। ये तो है, ये क्या है? चला था चला था। ये देखो तो हम जाएंगे पहले यहाँ जेठानी जी और के घर पे, इनको भी ले जाएंगे अपने साथ। जेठानी जी के घर के आगे ना स्ट्रेट लाइट लग गई है, इसलिए ना बहुत उजाला है इनके घर में। एक जेठानी जी तो हम बात कर रही है, एक इधर है। ये देखो सास बहू दोनों लेट रखे हैं, आज खाने की छुट्टी है ना इसलिए। ते गाना बंद करो यार, टाइम पास सुनो हम कहने यार। हमने सोचा इनको भी अपने साथ ले जाएंगे, है ना। आ जाए यहाँ पे रुचि के साथ बाबू। हाँ भाभी के साथ। ये सरमोन त्यागी देखी थे क्या? मीन सरमोन छा नहीं देखी थे, यह देखी सरमोनी। कौन है कहाँ है रुचि? रुचि कहाँ है? कौन है रुचि तो बता तो सही। भाभी है। कहाँ है फिर? कहाँ है? उंगली से बता दे बाबू कहाँ है, तो बता तो कहाँ है। वो है ना भाभी। शर्मा क्यों नहीं रही? हाथ लगे थे अनमुख पर बोल में शर्म लगनी थी। देखी देखी ना ना वी तो भोनी, वी तो भोनी कि तू क्या नहीं बोल, मैं देखी शर्म। अच्छा ये ना। हाँ बैठ देगा। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो अभी नीचे जेंट्स खाना खा रहे हैं, तो इसलिए हम छत में वेट कर रहे हैं। तो सारे लोग ना छत में, तो खाना खाने से पहले ना चाची हमको ना ठंडा पिला रही है। देखो खाना खाने से पहले चाची यहाँ पे सबको माजा पिला रही है, पहले माजा पियो फिर गर्मा गर्म खाना खाओगे। तो हम सब जो लेडीज है ना बाद में खाना खाएंगे। वो फूफू को भूख लग गई, भूख लगे थे भूख के मारे सर में खुजली हो रही है। ठीक ना दी दी और बहुत छप लेंगे। ये हमारा बीरू पवार। येलो
ये देखो बहू कह रही है पहले सास पिएगी जी। तो पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं। तो अभी सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अब आ गया लेडीज का नंबर, है ना, जेंट्स उठ गए हैं खाना खा के। क्या भाषण दे, क्या तो नहीं इतना सीधा नहीं थे, नहीं खान देगी, नहीं खान यार, ना ये भी नहीं खान, काम कर करना, ये एक ही में धार दे, पता नहीं वही एक ही में रंदे, यही में खेले बस, डाइटिंग पे ये डाइटिंग करना जरूरत नहीं। यही में खाना है, वीडियो वाले बनने वाले खाने नहीं है। दूल्हे के दोनों भाई लगे हुए हैं सर्विस पे, एक दाल बांट रहे, एक चावल। ये है बीरू पवार, वो है अंकी पवार। बीरू मैं भी देते हैं। ये दाल किसने बनाई है पता होगा तुम्हें? किसने? दूल्हे ने बनाई है। अच्छा, आज की जो दाल बनी है दूल्हे ने बनाई है। दूल्हे राजा से भी काम करा रहे हैं, बताओ है? तो दाल चावल है आज के खाने में, तो फटाफट खाते हैं, है ना को? चलो स्टार्ट करो। ये ना, ये आपको खा रही इतना गिलास तो खाना पीना हम लोगों का हो गया और अब हम चल रहे हैं घर। तो सीधा घर पे मिलते हैं क्योंकि ना अंधेरा भी काफी हो रहा है, तो रास्ते में भी ऐसे टॉर्च जला के चलना पड़ेगा। ना ना बहुत है चीचा।